गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। क्या है देखते हैं। वर्ड बिल्डिंग। मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड्स ग्रैंड पेरेंट्स। ये जो पिंक कलर से ग्रैंड पेरेंट्स वर्ड्स दिया है उसमें जो लेटर्स है उसका यूज करके हमें न्यू वर्ड्स बनाने हैं। यू मे यूज द लेटर्स इन एनी ऑर्डर। ये जो वर्ड है उसके अंदर जो लेटर है उनको हम किसी भी ऑर्डर में यूज करते हैं नया वर्ड बनाने के लिए। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक यहाँ पे आपके लिए बनाया हुआ है। वो कौन है? आर ई एन टी। अभी हम ऐसे जो ये ग्रैंड पेरेंट वर्ड्स है उसके अंदर जो लेटर्स है उसका यूज करके हम और बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे हम बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। ए एन टी एस, आंट्स। फिर ए एन डी, एंड। फिर जी आर ए एन डी, एंड। फिर पी ई ए आर, पेयर। फिर आर ए आर ई, रेयर। फिर बनेगा जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स। और एक लास्ट वन है उसमें क्या बनेगा? पी ई एन, पेन। तो और भी बहुत सारे वर्ड्स है वो हम इसमें ये जो लेटर्स है उसका यूज करके हम बना सकते हैं, बराबर। चलो अभी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है देखते हैं। समटाइम्स वी रिप्लेस द नेम्स ऑफ पीपल विथ अनदर वर्ड। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो पीपल का नाम है उनके नाम के बदले हम कोई और दूसरा वर्ड यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नेम, उनका नाम लिए बिना, बराबर, हम दूसरा वर्ड उनके लिए यूज करते हैं। रिप्लेस द नेम्स इन द सेंटेंसेस यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे नाम दिया है उनके बदले जो दूसरी ब्लैंक्स है उसमें हमें क्या करना है, ये जो बॉक्स में हमें दूसरे जो वर्ड दिए हैं उनका यूज करके हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिलअप करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ ये क्या है। ये यहाँ पे मीना, राम और ये मैंगो, ये है वो सब है नाउन, यानी कि नाम, बराबर। तो हम क्या करेंगे अभी, ये इनके जो नाम है उनके बदले ये दूसरी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हम क्या करेंगे, ये जो वर्ड बॉक्स में है ना उनको यूज करेंगे। और वो जो है ही, शी और इट, उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि ऐसा वर्ड जो हम नाम के बदले यूज करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मीना इज प्लेइंग विथ ए डॉल। मीना डॉल के साथ खेल रही है। मीना कौन है? गर्ल है। तो गर्ल के बदले हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सी। मीना नाउन है और वो गर्ल है, तो उनके बदले हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? सी। तो ब्लैंक्स में क्या आएगा? सी इज ए गर्ल। चलो नेक्स्ट। राम इज क्लाइंबिंग ए ट्री। राम कौन है? बॉय है। राम क्या कर रहा है? ट्रीज के ऊपर चढ़ रहा है। तो राम है वो नाउन है, अभी हम ब्लैंक्स में उसके बदले जो वर्ड यूज करेंगे उसको प्रोनाउन बोलेंगे। तो राम बॉयज है, तो उसके बदले हम क्या यूज करेंगे? ही। तो ही इज ए बॉय। नेक्स्ट, डू नॉट ईट दैट मैंगो। आप ये मैंगो है वो मत खाओ। तो मैंगो है वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? ईट। तो जो सेकंड है ब्लैंक्स उसके अंदर क्या आएगा? ईट प्रोनाउन आएगा। ईट इज नॉट ड्राई। डू नॉट ईट दैट मैंगो, ईट इज नॉट राइट। तो आप सबको समझ में आ गया, हम नाउन के बदले जो दूसरा वर्ड यूज करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। उसमें हम गर्ल के बदले जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो शी है, राम के बदले ही, और कोई भी नॉन लिविंग चीज हो तो उसके बदले हम ईट प्रोनाउन का यूज करते हैं।
चलो अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, क्या है देखते हैं। लेट्स राइट, हमें लिखना है, सपोज यू गो टू स्टे विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर ए वीक। कभी कदाचित आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स है उनके साथ एक हफ्ते के लिए रहने जाना है। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू टेक विथ योर फॉर देम। आपको ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जब आप उनके पास रहने जाओ तो उनके लिए आप क्या लेके जाओगे, ऐसी जो चीज़ें हैं उनकी हमें लिस्ट बनानी है। डू नॉट फॉरगॉट टू पुट ए एन और द बिफोर ईच थिंग। आपको ये जो चीज़ों के नाम लिखो उनके आगे आपको क्या लगाना है, ए एन और द लगाना है, वो आपको भूलना नहीं है। तो चलो अभी हम लिस्ट बनाते हैं कि हम दादा दादी के साथ एक हफ्ते के लिए रहने जाने वाले हैं तो उनके लिए क्या लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम कभी किसी के घर जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, मिठाई का बॉक्स लेके जाते हैं ना। तो फर्स्ट नंबर में हम क्या लिखेंगे, द बॉक्स ऑफ स्वीट। फिर क्या लेके जाएंगे उनके लिए, दादाजी थोड़े ओल्ड होंगे तो हम उनके लिए वॉकिंग स्टिक लेके जा सकते हैं ना। तो दूसरा द वॉकिंग स्टिक। फिर दादी माँ के लिए क्या लेके जाएंगे,